अलामा इकबाल कहते हैं, जवाने खुशकुले रंगी गुलाहे, निगाहे ऊंच शेरा बेपनाहे। और पहले जब हजूर के गुलाम आते सन तो लोग दूरों वेख के कहते सन, ओ वेखो ओ शेर आ रहा है। हुण भी लोग दूरों वेख के कहते, ओ वेखो लब्बै गल आ रहा है, ओ वेखो लब्बै गल। इन्हां दे जिहड़े शेर का हाल है ना, अलामा इकबाल कहता है, मकतब इल्म में शेरा पया मोत मुयसर नायत के बल के क्या है। इकबाल कहते सन से शेर, लेकिन फिर चले गए यूरोप की गुलामी। मुमताज कादरी ने उन्हें फांसी चढ़ा दिता। साडे इलाके का शायर है, वह कहता है, साडे मुल्क दे विच जिहड़ा है वासी, साडे मुल्क दे विच जिहड़ा है वासी, कहते हैं बसने वाले को, साडे मुल्क दे विच जिहड़ा है वासी, वो है परेशान वो है उदासी, अजब कानून है जफर ही मुल्क दे विच, गुस्ताखे को माफी ते आशिक को फांसी। वो अलामा इकबाल कहते हैं, ये जो शेर है ना, इनको यूरोप ने कहा गया शेर का काम था मैदान है, इतनी इन्हों का काम था घा खाण का, इन्हों शेर तो खाता रहा घा। हूँ इन्हों पता नहीं लग रहा कि ये जो असल शेर है इन्होंने लड़ना कैसे, बुगला बुगला के मैं क्या साढ़े। तुम दसो यार, सानू चार साल पांच साल हो तहरीक बने हुए, पांच छह साल हो, असि इन्हें संभाले नहीं जा रहे, एवं है कि नहीं? साडे लियाकतपुर दे विच ना प्रोग्राम होया एक जगह ते, ते उत्थे आके साडे मुंडे नूं उन्होंने चाह लिया। उन्होंने कहा जी प्रोग्राम कल तुम ही कराना। उन्हें आखिया यार ये तो नहीं हो सकता। उन्हें घर छापे छापे मारे, उन्हें चाह आए नहीं मिलिया, चला गया। उन्हें सानू फोन किया, असीं आखिया यार तू तैयारी कर, अल्लाह खैर फरमाएगा। बाबा जी फरमाते सन, हजूर का फरमान है, आगे बढ़ना इज्जत है। तो असीं उन्हें आखिया ठीक है तैयारी कर, असी उन्हें तैयारी शुरू कर दी। असी पूरे सादकाबाद रहीमियर खान दोस्तों फोन किया, यार आप जलसा करना है। असी सारे यार दोस्त मिलकर कोई 40-45 गड्डिया कट्ठिया कीतियां, गड्डिया कट्ठिया करके सादकाबाद तुर पे। असी तुरे सादकाबाद चौक के अंदर पहुंचे, नारे लाए जोर दे, लब्बै क्या रसूला। रहीमियर खान पहुंचे, असी उ लब्बै क्या रसूला। असी खानपुर पहुंचे, असी उत्थे आके लब्बै क्या रसूला। जेठा पुठा गए, असी आके लब्बै। असी फिरोजा गए, उत्थे आके लियाकतपुर गए। फिर जो तो जाके स्टेज पे बैठे, मैं कह एस एच ओ साहब तुहाडी शुक्रिया, तुहाडा शुक्रिया, तुहाडी मेहरबानी है, असा तुहाडा शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। पहले असी दो गड्डिया आना सी ते इलाके नूं पता ही नहीं लगना सी, पता नहीं इत्थे की होया। ए तुसी मना कीते, पूरे इलाके नूं पता लगा लब्बै गल आ रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बै लब्बै लब्बै, 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 या रसूल अल्लाह लब्बै लब्बै। मन सबन विजन मन सबन विजन मन सबन विजन मन सबन विजन। पता है इस नारे पावर क्यों है? पता है इस नारे पावर क्यों है? इन दम खान इतने आले भी हिल गए, तो बाहर वाले तो वैसे हिले हुए हैं ना, इतने आले हिले ही गए ना। इस नारे पता है पावर क्यों है? इस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं। मौला अली फरमाने, मन सबा नबी जन फतलू हो मन सबा सहाबी जन फजलू हो। फरमाया क्यामत तक जेड़ा नबी दी गुस्ताखी करे, हुजूर ने फरमाया दस बढ़ के रख दियो, ते जेड़ा सहाबा नु भोंके उनु कोड़े मरो। ए मौला अली दे रावी है, ता करके पावर नाल दम खम नारा ना दम खम ना नारे लग रहा है। ते दम खम ना नारा लाओ पता लगे, ए पंज तन दे ना दिया बा पंज वारी नारा लाना है। ओए हाले तुसी उने नाल ठंडे हो गए, हाले तक कराची दी होर खुशखबरी आण वाली है ना इंशाल्लाह, ते डस्के विच वी असी इन्हां नु लमिया पाणा है इंशाल्लाह। मन सबन बिजन मन सबन बिजन। खुद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सबन बिजन फतलू हो। फरमाया क्यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। मैं कहना हूं ना, जेड़ा इमाम आजम ना मुकल्लद है ना, मुकल्लद है ते उन्हें तकलीफ कर दे, ते कहने मैं हनफी हूं, मैं कहना पूरा हनफी बन। मैं कहना पूरा हनफी बन। पुत्र इमाम आजम हनीफा का जनाजा जेल च निकलता सी, तू जेल जाने वास्ते तैयार ही नहीं। तू कहना मैं हुसैनी हूं, हुसैनी किरदार भी तो अदा कर, हुसैनी किरदार ते खादिम हुसैन अदा किया।
फकीर औला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, वो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्ला ही। इकबाल कहते हैं सारे बादशाह मधु दारा तू भी सिकंदर बादशाह तू भी पूरी दुनिया के बादशाह मधु ओ बादशाह दे ओ फकीर आला है जेंदी विच खुशबू मौला अली दी आवे ते इमाम हुसैन दी आवे। असी इमाम हुसैन ने मना ला ले हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी तानू पता है साडे नाल खड़े ने। बाबा जी फरमांदे सन, बाबा जी कहंदे सन जितने पूरी दुनिया दे विच ना मुसे रिसालत दे पहरेदार हन खुद मेरे आका ने ड्यूटी लाई है उस पाक दी के उन्हां दे पीछे खलोवो उन्हां दी हिफाजत करो। जितने पाकिस्तान नामूस रिसालत के पहरेदार उन्होंने पीछे दाता अली हजवेरी खड़े गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा असी हुजूर गौसे आजम ने मनना रहे। हुजूर गौसे आजम जदों पीर मेहर अली शाह साहब कादियानी के मुकाबले जाए ना तो हुजूर गौसे आजम सुनो किन नाल खड़ोने। एक सैयद साहब फरमाने के दरियाए सिंध के कोल दरियाए सिंध मैं खलोता तो मैं आसमान वेख्या के एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे आले पालकी सवार होके फौज लैके उड़ के जा रहे उड़ते हुए जा रहे के मैं पूछे मैं तेलो हाथ जोड़े जनाब ये बुजुर्ग कौन है। फरमाया जेडे बुजुर्ग पालकी बैठे ने हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी है। फरमाया कितने जा रहे हैं अपने पुत्र मेहर अली शाह की मदद वास्ते जा रहे हैं। तो पीर मेहर अली शाह साहब खत्म नबूवत दे पहरा दिता तां गौसे आजम आए ते असी भी हुजूर दी इज्जत वास्ते निकले आ ते हुजूर गौसे आजम साडी मदद वास्ते आ जान गए। ताजदारे खत्म नबूवत चमन दी तहरीक जो चली ना सैयद खलील अहमद कादरी अबू हसनात मोहम्मद अहमद कादरी जेड़े दाता अली हजवेरी दे कोल आप दफन ने आप दी कब्र मुबारक उठे सैयद अबू हसनात मोहम्मद अहमद कादरी ते सैयद खलील अहमद कादरी उन्होंने बेटे उन्होंने भी जेल छोड़ दिता। जदों जेल छुटिया असी सुनो कितों आए ए कहने कितों आयो जद सैयद खलील अहमद कादरी जेल छुटिया तो उन्होंने जेल सांप के पिछू छोड़ दिते की छोड़ दिता सांप के पिछू छोड़ दिते। सैयद खलील अहमद कादरी जद सांप के पिछू उन्होंने वेखा उन्होंने कहा जान दे उन्होंने कौन आई सारे कफर के यारा सुन लो जान दे ना असी कौन आ साड़ी कोई हैसियत नहीं साड़ी रस्सी मालकों के हाथ च है। हजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस सूंड की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है तो साड़ी नकेल हजूर के हाथ च है जोर से असी ता ही मार रहे साढ़े से कोई जोर ही नहीं ये सारा मालक का ही जोर है। सैयद खलील अहमद कादरी ने उन्होंने आख्या सांप के पिछू उन्होंने कहा जानते हो ना मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हाँ तो आप फरमाने सांप के पिछू नुकरे लेके बह गए उन्होंने कहा जनाब जिन्हों का नाम तुम लिया उन्होंने तो असं भी जानते हैं। उस दौर एक नौजवान को पकड़ के लै गए अदालत अदालत लै गए तो नौजवान को आख्या दादे ने पूछे भी ऐसा जुर्म की है उन्हें कह जी ताजदारे खत्म नबूवत रोड बंद करके नारा ला रहा है। दसो ना यार जिस हुक्मरान खातम नबी जी पढ़ना ना आवे ते ओ साडे नाल ओ दूजा कहंदे हम लबैक वालों से मुकाबला करेंगे इंग्लैंड बह के बाबा कहंदे सी पुत्र पेड़ ते होंदे मैदान च तू ओथे बह के कहने हम लबैक वालों से तेरा बाप भी मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ ये मीनारे पाकिस्तान और लाहौर जो है किसी के बाप का नहीं ये मियां मीर का है ये पीर मक्की का है और ये दाता अली हजवेरी का है और लाहौर और मीनारे पाकिस्तान अमीर उल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का है। रिज़वी तेरा जब तक सूरज चांद रहेगा।